खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां विधायक शिव अरेरा अपने कार्यालय पर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक शिव अरेरा ने बताया कि पिछले 2 साल में 43 करोड़ के कार्य स्वीकृत होकर गतिमान है, जिनमें कुछ कार्य हो गए हैं, कुछ टेंडर प्रक्रिया में है। इसके आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से अटरिया मंदिर मार्ग होते हुए सिडकुल ढाल तक सतह सुधार कार्य का शासनादेश हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यालय में ऐसी ऐसी रोड स्वीकृत हुई हैं जो पिछले 10 सालों में जर्जर हालत में थी, और अगले 1 से 2 साल में मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू हो जाएं, इसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जो रुद्रपुर के कुछ मार्ग ऐसे मार्ग हैं जिससे लाखों लोग निकलते थे और 12 से 15 सालों से बिल्कुल तहस नहस थे, उन मार्गों को प्राथमिकता पर लेते हुए उसमें एक प्रमुख समस्या थी, बिगवाड़ा से लेके तीन पानी डैम दक्ष चौराहे तक लगभग 3.5 किलोमीटर का मार्ग है, उसे लेके बहुत बड़ी दुर्दशा थी। ऐसे ही एक मार्ग हमारा NH से लेके अटरिया मंदिर होते हुए और सिडकुल तक 4 किलोमीटर का मार्ग, उसकी बहुत दुर्दशा थी, उसके बड़े आंदोलन हुए। ऐसे ही हमारा एक मार्ग है हमारा झील से लेकर चामुंडा मंदिर तक ट्रांजिट कैंप शिवनगर का मार्ग, उसे लेके बहुत बड़े आंदोलन हुए। वहाँ लोग कीचड़ में बैठा करते थे, पौधे धान लगाया करते थे, तो इन मार्गों की बहुत दुर्दशा थी, पिछले 10 साल से थी। हमारे पार्टी के लोग भी, विपक्ष के लोग भी आंदोलन रहते, तो उन सब प्रोजेक्ट को प्राथमिकता पर लेते हुए ये तीनों प्रोजेक्ट, चाहे बिगवाड़ा से लेकर दक्ष तक का 3.5 किलोमीटर, अटरिया से लेकर हमारे जो सिडकुल तक 4 किलोमीटर, और इधर हमारा जो ट्रांजिट कैंप की सड़क है 60 फीट की चौड़ी सड़क चामुंडा मंदिर तक, ये तीनों प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, उनका शासनादेश हुआ है और अगले 36 घंटे के अंदर उनके टेंडर भी हो जाएंगे। तो आज उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही थी। ये प्रोजेक्ट हम रुद्रपुर की जनता को समर्पित कर रहे हैं। 2 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे काम, चाहे आवास विकास की सड़क है 2 किलोमीटर की, ये भी 16 साल से टूटी हुई थी, उसका काम भी हमने शुरू कर रखा है। ऐसे जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, बाजार के अंदर एक सड़क है 2 किलोमीटर की, उसका प्रस्ताव भी हमने दे रखा है। अब तक 43 करोड़ रुपये के राज्य योजना, विधायक निधि और जिला योजना के काम ये हम अपने विधानसभा क्षेत्र में आरंभ करा चुके हैं या स्वीकृत करा चुके हैं। तो ये रुद्रपुर की जनता को समर्पित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की।